अन्य दहशत के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ बम्लेश्वरी धाम डोंगरगढ़ का चैत्र मेले को रद्द कर दिया गया है। मेला रद्द होने से करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले मेले में 20 लाख दर्शनार्थी देश विदेश से यहां पहुंचते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 25 मार्च को चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक चलने वाले मेले को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देश में इन दिनों कोरोना का कहर चल रहा है। इस प्रकार से 20 करोड़ की लागत में बनी मंदिर व नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित मेले में हजारों दुकानें लगाई जाती हैं, जहां पर करोड़ों का व्यापार किया जाता है, क्योंकि मेले में लोग घूमने और सामान खरीदने के लिए पहुंचते हैं। भीड़ भाड़ होने से कोरोना वायरस फैलने का डर बना रहेगा, इसलिए मेले को रद्द करना जरूरी समझा गया है। आपको बता दें कि मेला रद्द रहेगा, लेकिन पूजा पाठ ज्योत प्रज्वलित वो यथायत होता रहेगा। रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक पहुंचते तक जगह जगह हाथ मुंह धोने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए अस्थाई स्टॉल भी लगाया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण लोग अपने रेलवे के रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 दिनों में 200 से अधिक कंफर्म टिकट कैंसिल कराए जा चुके हैं और यह दौरे लगातार जारी है। कुल मिलाकर इस बार मेला कोरोना का भेंट चढ़ गया है। सोन कुमार सिन्हा व नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, डोंगरगढ़ को लेकर अभी चैत्र नवरात्रि में मेला 25 मार्च से वहाँ संपन्न होना था। हमने व्यापक स्तर पर जैसे हर वर्ष तैयारी होती है की है, परंतु कोरोना वायरस का जिस प्रकार संक्रमण हो रहा है, एहतियात के रूप में हमने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें मुख्यतया जो कार यात्राएं हैं और पैदल पद यात्री मार्ग हैं, हमने उसको सीमित अथवा बंद करने का निर्णय लिया है। यदि कोई पदयात्री आना चाहता है, उसके पास मास्क और पूरे संक्रमण से बचने के सारे उपाय हैं, तो वो आ सकता है। लेकिन जब वो मंदिर के पास जाएगा तो उसको एक बार एक संक्षिप्त जो है उसका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ही जो है ऊपर जा पाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेनें और जो भी टिकट काउंटर्स बनाए जाते हैं रेलवे विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके, उसको इस बार नहीं चलाने का जो है हमने निर्णय लिया है। इसके अलावा रोपवे और अन्य सुविधाएँ भी जो है बंद रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि ग्रामीण लोगों को भी ये पता चले कि इस प्रकार डोंगरगढ़ में जो है इस प्रकार व्यवस्थाओं को जो है सुरक्षा की दृष्टि से सीमित किया गया है, ताकि आम पब्लिक को इसका परेशानी न हो। इसके लिए भी गांव में भी सूचना करके सही है। नवरात्र मेले की व्यवस्था जो पूर्व वर्षों अनुसार बराबर नवरात्र मंदिर कमेटी जो करती आई है, वो व्यवस्था जारी रहेगी। माता जी के ज्योत कलश की व्यवस्था, माता जी के ज्योत विसर्जन की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः पानी की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट द्वारा बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। रोपवे अभी नवरात्र में 17 तारीख से बंद कर दिया गया है, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए। आगामी आदेश तक के व्यवस्था को देखते हुए रोपवे बंद रहेगा। और जो मीटिंग हुई है कल कलेक्टर साहब के यहाँ, उसमें ये जानकारी दी गई कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर 35 तक टेम्परेचर आता है, तो व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। हाँ, ये जो जिला प्रशासन और ट्रस्ट मंडल ने एक निर्णय लिया है कि मेले में इस बार पब्लिक को ना आए और आएंगे तो पूरे चेकिंग होगा, तो ये कितना उचित है? देखिए, पूरे देश और पूरे दुनिया में जो कोरोना का वायरस जो फैला है, तो ये अधिक भीड़ होने के कारण है। और जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय द्वारा और हमारे ट्रस्ट मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष नवरात्र मेला रद्द किया जाए, वो सराहनीय कार्य है। और इससे अधिक भीड़ ना होकर कोरोना के वायरस को रोका जा सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.